हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपडेट योर लाइफ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्री में एलपीजी सिलेंडर को कैसे बुक करें। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर आखिर तक बने रहे। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना वायरस के कारण सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में सितम्बर तक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का फैसला किया है। यानी दोस्तों, जिसने तीसरा सिलेंडर नहीं लिया है वह सितम्बर तक इसे मुफ्त ले सकता है। दोस्तों, अगर आप भी इस योजना में शामिल नहीं हो पाए हैं तो इसमें अप्लाई करने का तरीका काफी आसान है। आज की वीडियो में हम आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे और कैसे अप्लाई करना है इस योजना के लिए, वो भी हम आपको बड़े ही विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे, इस योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए बीपीएल परिवार की कोई महिला आवेदन कर सकती है। और दोस्तों, आपको ये भी बता दे, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल परिवारों के लिए घरेलू रसोई गैस कनेक्शन मुहैया कराती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस योजना को चला रहा है। दोस्तों, आपको बता दे, 2011 की जनगणना में जो बीपीएल परिवार है उन्हें उज्ज्वला स्कीम का लाभ मिल रहा है। दोस्तों, ऐसे करीब 8 करोड़ परिवारों को इसका फायदा भी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को 1 मई 2016 को शुरू किया था। दोस्तों, इस योजना के तहत बीपीएल परिवार की महिला को केवाईसी फॉर्म भरकर पास की गैस एजेंसी में जमा करना होता है। इसके लिए जन धन बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर की जरूरत होती है। आवेदन करते समय यह बताना होता है कि 14 किलोग्राम वाला सिलेंडर चाहिए या उसे 5 किलोग्राम वाला। और दोस्तों, वह फॉर्म भरने के लिए आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वेबसाइट पे जाकर वह फॉर्म डाउनलोड करना होगा। और दोस्तों, फॉर्म डाउनलोड करने के लिए हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। वहां जाकर आप बड़े आसानी से फॉर्म भरकर एजेंसी में जमा करवा पाएंगे। और दोस्तों, आपको ये भी बता दे, कोरोना काल में गरीबों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के मकसद से केंद्र सरकार ने राहत पैकेज के तौर पर PMGKY शुरू की थी। इस पैकेज के तहत उज्ज्वला के लाभार्थियों को 1 अप्रैल से 3 महीने की अवधि के दौरान 3 गैस सिलेंडर मुफ्त रिफिल करने की सुविधा प्रदान की गई थी। दोस्तों, आपको ये भी बता दे, वह सीमा अब बीत चुकी है, अब सरकार ने इसे 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है। उज्ज्वला के लाभार्थियों के लिए 3 सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान किया गया है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दे, अगर पहले महीने सबने सिलेंडर लिया, दूसरे महीने भी लिया और तीसरे महीने लोग नहीं ले सके, इसी कारण की वजह से तीसरे सिलेंडर लेने की समय सीमा को आगे बढ़ाकर सितंबर तक कर दी गई है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आप इस योजना में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये खास जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड शेयर करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। और दोस्तों, रोजाना ऐसी लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे दोस्तों हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।